में विवाद की खबरें थमने का नाम नहीं ले रही पार्टी ने, ने नेशनल मीडिया को कोऑर्डिनेटर राधिका खेड़ा और प्रदेश कांग्रेस नेताओं के बीच विवाद जो है उसकी खबरें लगातार सामने आ रही है और मंगलवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जांजगीर चंपा जिले में सभा हुई बताया जा रहा है कि सभा के बाद मीडिया से बयान देने को लेकर विवाद हुआ है इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में राधिका खेड़ा प्रदेश के स्थानीय नेता और प्रवक्ताओं के साथ थी जानकारी के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस संचार के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला और राधिका खेड़ा के बीच कुछ बातों को लेकर तीखी बहस हुई है इतना ही नहीं बात तू तू मैं में तक आ गई बताया जा रहा है कि विवाद बढ़ने से राधिका खेड़ा राजीव भवन से रोते हुए बाहर निकली गई और इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्वीट कर अपनी उन्होंने व्यथा सुनाई पार्टी से इस्तीफा देने तक की बात कह डाली इस मामले में राधिका खेड़ा ने पीसीसी चीफ दीपक बेज और राष्ट्रीय नेताओं से शिकायत भी की है वहीं स्थानीय नेताओं और प्रवक्ताओं ने भी इसकी शिकायत की है राधिका खेड़ा का रोते हुए जो वीडियो सामने आया जिसमें वो रोते हुए फोन पर बात करती हुए दिखाई दे रही है विवाद के बाद राधिका ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर ट्वीट भी किया उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कौशल्या माता के मायके में बेटी सुरक्षित नहीं है। पुरुषवादी मानसिकता से ग्रसित लोग आज भी बेटियों को पैरों तले कुचलना चाह रहे हैं उन्होंने मामले में खुलासा करने की बात भी कही है इस मामले में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि कौशल्या मां की धरती में अगर कोई राष्ट्र नेता कांग्रेसी से दुखी है उन्होंने आगे ये भी कहा कि आप कांग्रेसियों से बच कर रही है बाकी छत्तीसगढ़ में आपको कुछ नहीं होगा ये मोदी की गारंटी है और विष्णुदेव साय की सुशासन की गारंटी है वहीं आपको बता दें कि बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास्तव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मैक्स पर भी ट्वीट किया इस पूरे मामले में उन्होंने लिखा कि पीसीसी दफ्तर में जैनपुरिया सुशील की गुंडागर्दी महिला नेत्री से अश्लील हरकत साथ ही लिखा कि राधिका हे राधे इस पूरे मामले पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यह कहा कि राधिका जी आप कांग्रेसियों से बच कर रही है और यहां से निकल जाइए बाकी बीजेपी आपके साथ है वहीं आपको बता दें कि राधिका खेड़ा के भाई पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले को लेकर बड़ा खुलासा कर सकते हैं दूसरी और चर्चा यह भी है कि राधिका खेड़ा पुलिस थाने में इस मामले की शिकायत कर सकती है अब देखना यह होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपडेट आते हैं यह वीडियो आपको कैसा लगा और इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेसबुक पर यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें